शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, गुरु के दर्जे को भगवान से बढ़कर माना जाता है। लेकिन बिहार के अररिया से सामाजिक ताने बाने को झकझोरती एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने गुरु और शिक्षक शब्दों को कलंकित किया है। अररिया जिले में शिक्षा के मंदिर में एक प्रिंसिपल ने हैवानियत और घिनौनेपन की हदें पार कर दी। मामला महलगांव थाना क्षेत्र के एक स्कूल का है, जहां प्रिंसिपल अपने ही स्कूल की छात्रा के साथ 3 महीने से दुष्कर्म कर रहा था। छात्रा की न्यूड तस्वीर लेकर उसे वायरल करने की धमकी देता था। बदनामी और तस्वीर के वायरल होने के डर से 14 साल की नाबालिग छात्रा अपनी अस्मत लुटाने को मजबूर थी। हैवान हेडमास्टर के कुकर्म के चलते नाबालिग छात्रा 2 महीने की प्रेग्नेंट बताई जा रही है। प्रिंसिपल ने लगातार 3 महीने तक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। इसका खुलासा तब हुआ जब गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद छात्रा के पिता ने महिला थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल 29 जून 2021 की शाम को उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रसादपुर डुमरिया के आरोपित प्रिंसिपल ने छात्रा के पिता को फोन कर कहा कि वो अपनी बेटी को मिड डे मील का सूखा राशन लेने के लिए स्कूल भेज दे। पिता ने बच्ची को स्कूल भेज दिया, लेकिन जब वो स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल उसे छत पर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। एक स्थानीय व्यक्ति ने उसे यह सब करते हुए देख लिया और तुरंत छात्रा के पिता को इसके बारे में सूचित किया। इसके बाद छात्रा के पिता अपने भाइयों और ग्रामीणों के साथ स्कूल परिसर पहुंचे और प्रिंसिपल को रंगे हाथों दबोच लिया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक, जिसका नाम रोशन जमील है, अपने स्कूल की ही नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया था। इसका अनुसंधान महिला थाना अध्यक्ष के द्वारा किया गया और घटना का सत्य पाकर जो शिक्षक है, जो प्रधानाचार्य है, उसको गिरफ्तार किया गया है और अन्य बिंदुओं पर भी और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। किस तरह से ये मामला हुआ सर आखिर? बच्ची जो स्कूल की थी, मध्यान्ह भोजन, आजकल स्कूल बंद है, उसके आधार पर ये प्रिंसिपल था जो मिड डे मील के जगह पर सूखा राशन देने का प्रावधान है, उसी को शाम के समय में बुलाया और उसके साथ गलत कृत्य किया है। इस पर लोगों ने देखा है, गाँव वाले लोग देख के उसको पकड़ लिए थे। फिर गाँव वाले लोग पंचायती कर रहे थे, 4-5 दिन से पंचायती चल रहा था। पुलिस को मामला संज्ञान में आया, तत्क्षण इस पर प्राथमिकी दर्ज किया गया, उसके पीड़ित परिवार को बुलाकर और छापामारी करके शिक्षक को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पीड़िता के पिता ने गांव के मुखिया और सरपंच को भी इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पंचायत में सुलह कराए जाने की कवायद शुरू हुई। हालांकि सरपंच और मुखिया द्वारा पंचायत में बुलाए जाने के बाद भी आरोपित शिक्षक नहीं पहुंचा, जिसके बाद पंचों की तरफ से पीड़ित परिवार को पुलिस की मदद लेने का निर्देश दिया गया। मामले को लेकर SDPO पुष्कर कुमार ने बताया कि जांच जारी है, आरोपित प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रिंसिपल ने ग्रामीणों और पीड़िता के बयान के आधार पर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का जुर्म कबूल कर लिया है। उसने ये भी बताया कि गाँव वालों ने सुलह कराने की भी कोशिश की थी। ऐसे जघन्य अपराध में पंचायत की कोशिश गलत है। सदर SDPO ने बताया कि पंचायती करने की कोशिश करने वालों की भी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इस तरह का क्या किसी भी तरह का मामला जो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो या किसी भी तरह का जो संज्ञेय अपराध है, इसमें कहीं से पंचायती का कोई प्रावधान नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें सरपंच की नियुक्ति हो गई, जो नॉन कॉप केसेस है उसका सरपंच को अधिकार है, उसकी वो पंच सुन के दोनों पक्ष को बुला के वो न्यायालय लगा के न्याय मित्र के जरिए उसका निराकरण कर सकते हैं, लेकिन आम पब्लिक या मुखिया या इस सबको कोई इस तरह का पंचायती करने का कोई अधिकार नहीं। क्या लगता है इन लोगों पे भी जांच में, अगर पंचायती में जो लोग दोषी आएंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की?